हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है? कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं, देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हम, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों? मैंने बताया था तुमको ये लेना ये लेना ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर गारंटी में गया कहां आखिर, वो गारंटी गई कहां? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ, हमें दुख क्यों मिला, हमें तकलीफ क्यों मिली, उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं, सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया? तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा, ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा का ऐसे कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया, वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू का फोड़ गए और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर, तो जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी, अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को डोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो, बोलो तो थी, गलती किसकी थी? आपने, उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा, लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म हो गया।